वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ सोलपाड़ा गांव, जो कि कोकराझार असम इंडिया के अंदर पड़ता है, पर भूटान बॉर्डर से अटैच है। ये गांव काफ़ी पुराना होने के बावजूद भी यहां पे ना तो रोड का फैसिलिटीज़ है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी का, ना तो पानी का। डेली यूसेज के लिए भी लोग यहाँ पर एक चैनल है जो कि नदी से कनेक्टेड है, उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ही गंदा आता है। और सिस्टम गवर्नमेंट का तो पता नहीं, सो रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। आके देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है इनकी। पर इन सब प्रॉब्लम के बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत ही मेहनती हैं, इसीलिए इन लोगों ने अमूल के पेड़ और काउ फार्मिंग को इन्होंने यहाँ का इनकम सोर्स बनाया हुआ है। इसके अलावा भी लोग काफ़ी लाइक दूसरे फील्ड में एक्टिव है, जैसे कि दुकान या फिर टैक्सी या फिर बहुत सारे। इसके अलावा यहाँ का पानी जो है बहुत गंदा है, आप देख सकते हो ये नाले में कैसे पानी गंदा बह रहा है। यहाँ पे इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं अपने डेली यूजेस के लिए, और रास्ता तो आप देख ही रहे हो। इनके अलावा मैं इतना ही विनती करता हूँ, जितना भी यूट्यूबर है या फिर ब्लॉगर्स है, आप आओ यहाँ पे देखो इन लोगों का प्रॉब्लम, बताओ सरकार को। अब बस आके पिकनिक स्पॉट देख के कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे, अगर आप जो रियल प्रॉब्लम है वही नहीं दिखा पा रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं आपका वो वीडियो बनाने का, ये करने का, वो करने का। ये घर देखो, इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये गांव कितना पुराना है। काफ़ी ओल्ड फैशन घर है ये। सुबह का समय है तो दोस्तों हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़े। यहाँ पे रास्ता थोड़ा बहुत सही है, आप देख सकते हो। ये मेरा भांजा और मेरा भाई बिलीफांग के साथ मैं निकल पड़ा हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो अभी हम लोग पिकनिक स्पॉट पहुँचे हैं दोस्तों, और यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है, और यही वो पानी है जो नदी से होके गांव जाती है। और तो दोस्तों अभी बारिश भी रुक गई है, तो हम लोग बढ़ रहे हैं आगे पिकनिक स्पॉट की ओर। और यहाँ पे तो बहुत सारी गंदगी दिख रही है चारों ओर, तो मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा रहा, पर फिलहाल आप ये नज़ारा देखिए।